हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि UTM आंध्र प्रदेश का यहाँ पर जो ये है एप्लीकेशन फॉर्म, इसमें शुरू हो चुकी है। एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पर इन्होंने रिलीज़ कर दिया गया। एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ पर जाके फिल करनी होती है, कैसे फिल करनी है, क्या क्या फिल करनी है, किस जगह पर, किस तरीके से, इस वीडियो में आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। सो मेक श्योर कर लीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि एक स्पेशल चैनल बनाया गया UTM के रिलेटेड। आंध्र प्रदेश में यहाँ पर एडमिशन शुरू है, ठीक है। ओके, तो अपने ब्राउज़र में google.com ओपन करना है। वहाँ पे आपको टाइप करना है UTM आंध्र प्रदेश एडमिशन 2022 IAS पेपर, यही टाइप करनी है। IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पर आपको UTM आंध्र प्रदेश के रिलेटेड सारे के सारे अपडेट्स, नोटिफिकेशंस मिलेंगे आपको। सबसे पहले गूगल सर्च पे क्लिक करके सर्च करना, फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करनी है। तो आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी में एडमिशन शुरू है, एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, क्लिक हियर पर क्लिक करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको फिर से बता देता हूँ, इस पेज पर रहेंगे तो यहाँ पर फिर से क्लिक हियर पर क्लिक करना पड़ेगा। जब यहाँ पर क्लिक हियर पर क्लिक करते हैं, आप न्यू टैब में ओपन होते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन रिलीज फॉर वेरियस कोर्सेज, क्लिक हियर टू अप्लाई। सबसे पहले फॉर्म जरूर फिल कर देना, ठीक है। नाम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, स्टेट, सिटी, इंटरेस्टेड कोर्स, हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस, और फिर आपको गेट फ्री काउंसलर पे क्लिक कर देंगे। इसे मैं कट कर देता हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म आपकी रिलीज है, क्लिक हियर टू अप्लाई। डिटेल एंड प्रोसेस, तो डिटेल एंड प्रोसेस जरूर पढ़ना। अबाउट यूनिवर्सिटी के बारे में क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पर क्लिक करके पढ़नी है। इंपॉर्टेंट नोट्स क्या यहाँ पर दिए गए, नोट्स पढ़ने। लास्ट डेट अप्लाई करने के वो बता दिए गए हैं। कैंडिडेट विल हैव टू पे सम इन आर 600 रुपीज़ कम्प्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, आपको इतना पे करना होगा 600 रुपीज़। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर पहले लिख कर दे दी गई है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, प्रोवाइड द मोबाइल नंबर, ईमेल आई डी बाय एंटरिंग द कोड्स, सेंड ईमेल आई डी और SMS के थ्रू आपको सेंड किया जाएगा जो भी कोड्स वगैरह रहेंगे, पासवर्ड, प्राइवेट कोई भी यहाँ पर पर्सनल चीज़ें रहेंगी। तो इन योर रिवेलेंट डिटेल्स एंड प्रेफरेंस और पे CUEE फीस, आपको इस तरीके से सारी प्रोसेस कंप्लीट करनी होगी। तो स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पर ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर, दोनों में से कोई भी एक डिटेल दे देनी होगी और यहाँ पे सबमिट करनी है। तो यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ। टाइप करने के बाद जो सेकेंड था ना ऑप्शन से, यहाँ पर आप थर्ड स्टेप में आ जाएंगे, ठीक है। थर्ड स्टेप में डायरेक्ट आ जाएंगे, लेकिन आपको क्या क्या सारे प्रोसेस थी, क्या क्या लगे फर्स्ट में, तो फर्स्ट के बाद यहाँ पर जो सेकंड में वो बताता हूँ। ईमेल आईडी अगर डालते तो ईमेल आईडी पे आपको मेल किया जाएगा OTP। मोबाइल नंबर डाले तो मोबाइल नंबर पे आपको OTP में SMS सेंड कर दिया जाता है, ठीक है, OTP। तो आपको सेकंड स्टेप में OTP टाइप करनी होती है। OTP टाइप कर लेंगे, फिर सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद फिर आप थर्ड स्टेप में आ जाएंगे, ठीक है। थर्ड स्टेप में यहाँ पर आप फिल द डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, यहाँ पर ये सारी डिटेल्स फिल करनी होती है। यहाँ पर आप खुद ही देख सकते हैं, ठीक है, कौन कौन सी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। आप पर्सनल डिटेल्स में यहाँ पर थर्ड स्टेप में जो है पर्सनल डिटेल्स, ठीक है, पूरी डिटेल्स यहाँ पर देगी जो जिसमें अपना फुल नेम, फादर नेम, एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट्स, पिन कोड, आधार कार्ड नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स जिसमें ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट एक मोबाइल नंबर चाहिए 10 डिजिट का। एजुकेशन डिटेल्स में यहाँ पर टेंथ के मार्क्स, बोर्ड कौन से बोर्ड में, पासिंग ईयर 12th के या फिर डिप्लोमा या फिर 12th का मार्क्स, फिर बोर्ड और पासिंग ईयर, ठीक। ग्रेजुएशन के मार्क्स, बोर्ड, ग्रेजुएशन पास, पासिंग ईयर, प्रेफरेंस, टेस्ट सेंटर, लोकेशन सेलेक्ट करनी होगी आपको, तो टेस्ट के लिए यहाँ पर, तो एग्जाम्पली आप यहाँ पर जिस किसी भी लेना हो आपके ऊपर लेना है। तो यहाँ पर मैं इसे भुवनेश्वर जो भी है सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट कोर्स, अभी कौन कोर्स सेलेक्ट करने वाला हूँ, कोर्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे टिक करनी है और सबमिट नाउ पे क्लिक कर देनी। सबमिट नाउ पे क्लिक कर दे तो मेरा डिटेल्स आ जाता है जहाँ पे मेरा आईडी, नेम, ईमेल आईडी सब लिखा हुआ है। और मुझे यहाँ पे प्रोसीड टू पे क्लिक करनी है। जब मैं प्रोसीड टू पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर 600 रुपीज़ मुझे बिलिंग इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। ओके, ऑर्डर नंबर वगैरह सब यहाँ पर दिख जाता है। अब मैं पे विथ HDFC बैंक या फिर क्रेडिट कार्ड, अदर बैंक्स, नेट बैंकिंग, UPI भी है, सारे अवेलेबल हैं यहाँ पर, जिसके थ्रू भी चाहते हैं आप भी कर सकते हैं। तो स्टेट बैंक्स, ICICI, जिसके भी थ्रू आप चाहते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है।
ओके, यहाँ पे मैं जिसके भी थ्रू चाहूँगा यहाँ से इजिली कर सकता हूँ, और फिर आप मेरा एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसेस जो है कम्प्लीटली हो जाएगा। आपको भी इस तरीके से कंप्लीट करनी होगी, और यही सारे प्रोसेस थे। तो अगर आपको किसी भी चीज़ में अगर आपको डाउट होता है, आप डेफिनेटली कमेंट कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेज का मैंने लिंक दिया हुआ है, क्लिक करके इस पेज पर आना और आपको सारी प्रोसेस कंप्लीट कर ली होगी। ओके, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करना। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।